नमस्कार मित्रों, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के पश्चिमी छोर गुजरात में। गुजरात जाना जाता है क्योंकि यहाँ से संतों की अविरल धारा निकली है। पूर्व में डोंगरी जी महाराज और वर्तमान में भाई श्री रमेश भाई ओझा, मुरारी बापू, स्वामी नारायण, इस तरह के अनेक संत यहाँ से निकले हैं जो देश भर में, दुनिया भर में हिंदुत्व का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की परंपराओं का प्रचार कर रहे हैं। गुजरात जाना जाता है यहाँ की देवभूमि के कारण, सोमनाथ मंदिर, द्वारिका, स्वामी नारायण मंदिर, इन सब के कारण, अंबाजी के कारण। गुजरात जाना जाता है महात्मा गांधी के कारण, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, और सरदार पटेल के कारण, जिन्होंने देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा। गुजरात जाना जाता है मोदी जी के कारण, हर घर मोदी, जिन्होंने देश को एक अलग तरह का नेतृत्व प्रदान किया, देश को प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के कारण जाना जाता है। और ऑफ कोर्स देश के दो बड़े औद्योगिक घराने अडानी और अंबानी भी गुजरात से ही हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा से। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी अपने हर बड़े काम से पहले अपने गुरु की सलाह लेते हैं। पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा उस वक्त से अंबानी परिवार के गुरु हैं जब धीरू भाई अंबानी ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की थी। ऐसे पूज्य संत भाई श्री रमेश भाई ओझा का जन्म गुजरात के रजूला तहसील में 31 अगस्त 1957 को हुआ। 11 साल की उम्र में जब भाई श्री ने 7 दिनों का गीता प्रवचन किया, तभी से लोग उनकी दिव्य वाणी का अमृत पान करने को आतुर होने लगे। संस्कृत भाषा में भाई श्री की इतनी कुशलता है कि रेडियो के संस्कृत बुलेटिन वाले एंकर भी उन्हें ध्यान से सुनते हैं। पूज्य भाई श्री को भगवत कथा, राम कथा, शिव चरित्र और गीता पर अतुल्य प्रवचन के कारण लोग भगवत भूषण और भगवत रत्न के नाम से भी संबोधित करते हैं। पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, नारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण भाई श्री, जैसे मैंने बताया कि गुजरात पूरे देश को, पूरे विश्व को धर्म की, व्यापार की और राजनीति की दिशा दिखा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? वैसे तो समग्र भारत का प्रत्येक प्रांत अपने आप में महत्वपूर्ण है। समग्र भारतवर्ष एक तीर्थ भूमि ही है। हमारे संतों ने ये कहा है कि भारत विश्व का हृदय है। कोविड में भी हम लोगों ने वैक्सीन बना करके पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि 140 करोड़ लोगों को आप कैसे वैक्सीन दे पाएंगे, लेकिन हुआ। तो संभावनाओं का देश है, प्रेम जहाँ है वहाँ त्याग की बात है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ घृतः कस्य स्विद्धनम्, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है कि हम ईश्वरमय देखते हैं जगत को, और जहाँ ईश्वरमय जगत को देखते हैं तो फिर त्याग की भावना से, ईश्वर की सेवा की भावना से हम दूसरों को उपयोगी बनने में धर्म समझते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी कहते हैं। ऐसे भारतवर्ष में गुजरात प्रांत भी अपनी एक अहमियत रखता है। व्यापारी प्रजा तो राजस्थान से भी है, पूरे अन्य प्रांतों से भी है, लेकिन गुजरात ने गांधी जी दिए, गुजरात ने सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए। जैसा कि आप अपने अभी अभी सभी ऐसे महानुभावों का स्मरण किया, गुजरात की अपनी एक जो खासियत है कि अकेले नहीं खाएगा, कभी बांट कर खाएगा, और दूसरी बात कि पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करने में कहीं पीछे हटेगा नहीं। और जहां मेहनत है, जहां हार्ड वर्क है, और जहां साथ साथ व्यापार की बुद्धि है, तो स्वाभाविक रूप से वो सफलता, जैसा कि आपने स्मरण किया, इतने सारे उद्योगपति यहाँ हुए, और हमारे धीरू भाई अंबानी हो या अडानी परिवार हो, और ऐसे और भी औद्योगिक घराने गुजरात के हैं। धीरू भाई, आपने उनका नाम लिया, उसकी सफलता के पीछे तो शायद आपका आशीर्वाद भी है। ना, उसकी सफलता के पीछे उनका खुद का हार्ड वर्क और उनकी खुद की गजब की बुद्धि, एक विशिष्ट प्रतिभा
गुजरात की मानी जाएगी, उद्योग महर्षि धीरूभाई अंबानी। हम कभी साथ में बैठकर जो बातें होती थी तो मुझे कहते थे कि मैं केवल सुबह पाँच मिनट देता हूँ ये भजन के लिए। अच्छा जी। तो मैं स्नान करके एक लोटा जल चढ़ा देता हूँ सूर्य नारायण को, प्रणाम कर लेता हूँ। मैंने कहा एग्जैक्टली दैट इज़ वाई धीरूभाई अंबानी, क्योंकि सूर्य नारायण कर्म में प्रवृत्त करते हैं और आदिदेव है, तो सुबह में सूर्य को एक लोटा पानी देना और सूर्य को प्रणाम करना वो कर्म में प्रवृत्त करने वाले भी देव है। और तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य, जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसमें धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को वे प्रकाशित करें, प्रेरित करें, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो वही वाली बुद्धि और वही वाला कर्मयोग, ये दोनों यदि इकट्ठे हो, और फिर ऑफ कोर्स भाग्य का भी अपना एक रोल होता है, लेकिन वो पांचवा है गीता के अनुसार भाग्य का स्थान, दैवम चैवात्र पंचमम। भाई श्री, हम आपके आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छा गुरुकुल, ऋषिकुल, संदीपनी आश्रम ये सब बनाया हुआ है, तो आपने शिक्षा को ही ज़्यादा महत्व क्यों दिया? जी, मैं स्वयं गांव में पैदा हुआ हूं, गांव में पला बढ़ा हूं, गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है ये मुझे पता है। मैंने ये भी देखा है कि प्रतिभा तो गांव में भी है, उसको यदि निखरने का अवसर दिया जाए, जो कि एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है, और वो यदि निखरेगा तो न केवल वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए उपयोगी होगा, वो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रदान कर सकता है। नरेंद्र भाई मोदी जी को ही ले लीजिए, धीरूभाई अंबानी को ही ले लीजिए, गांव से ही निकले हैं। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से जागरण और जो लोग जुड़ते जाते हैं और जो अपना सहयोग करते हैं, उन सब के माध्यम से मन में ये सोचा कि मुझे ज़्यादा आश्रम या मंदिर नहीं बनाने हैं, मुझे विद्या मंदिर बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं और बच्चों को पढ़ाएं, और यथासंभव वो भी ग्राम्य विस्तार में, चाहे डांग जैसा आदिवासी बहुल क्षेत्र हो तो वहाँ स्कूल चलता है आदिवासियों के लिए, एकदम अमरेली जिला जो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें हमारे विस्तार में, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है उस तरफ, वहाँ 650 बच्चियाँ रह करके पढ़ रही हैं, कॉलेज तक का शिक्षा है, तो कॉलेज में और सब मिला के 1000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और आने वाले 2 साल में वहाँ 2000 बच्चियाँ पढ़ेंगी। भाई श्री, आज की राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? हम देश में देख रहे हैं दशकों से मुस्लिम तुष्टीकरण चलता रहा, लेकिन आज के समय में चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात हो, चाहे केदारनाथ उज्जैन और वाराणसी के मंदिरों के उद्धार की बात हो, बहुत अच्छी दिशा में और हम बढ़ रहे हैं, इस सब का आप किस तरह से आकलन करना चाहेंगे? राजनीति प्रजा कल्याण और राष्ट्र के उत्थान और मजबूती के और सुरक्षा के लिए होती है। राजनीति भी जीवन का एक अनिवार्य अंग है, बिना उसके चलेगा नहीं, लेकिन मूल्यनिष्ठ राजनीति हो ये बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य से उन मूल्यों का बहुत क्षरण हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा क्षरण हुआ है मूल्यों का। अब उसमें से फिर से थोड़ा हम उससे बाहर आ रहे हैं, जैसे पूरा पूरा बाहर आने में तो अभी बहुत साल लगेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका संतोष हम इसलिए कर सकते हैं कि चाहे यूपी में योगी जी हों, चाहे हमारे सर्वोच्च देश के, वैसे तो राष्ट्रपति जी मानते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई हो, ये ऐसे महानुभाव है जिनका परिवार भारत की जनता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते, जो कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं, उनके 10 में से 9 निर्णय सही है, अच्छे हैं,
और एक निर्णय यदि गलत साबित हो तो वो गलत साबित नहीं होते, उनकी भावना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आखिर हम इंसान हैं। किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करके केवल राजनीति करना, ये न तो जिस वर्ग को आप संतुष्ट कर रहे हैं उनके हित में है और न देश के हित में है। उससे आपका पक्षीय स्वार्थ सिद्ध हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली देश को नुकसान होता है। इसलिए नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी कि नेशन पहले, पार्टी बाद में और मैं लास्ट में। भाई श्री, आज के समय में बहुत सारे संत ऐसे भी हैं जिनको लोगों ने बहुत श्रद्धा से नमन किया, उनकी वंदना की और उनको पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन बाद में कालांतर में कुछ ना कुछ कमियां आई और उनके कारण से लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई। इस सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्यक्ति किसी को भी गुरु मान करके और मन से उसके प्रति नतमस्तक हो जाता है, लेकिन बाद में उसमें कमियां आती हैं और हम सब देख रहे हैं कि आज क्या कुछ हो रहा है, तो सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? कपड़ा पहनने के लिए ही होता है, रख लेने के लिए नहीं, लेकिन पहनोगे तो मैला भी होगा और फटेगा भी। लेकिन जब मैला होता है तो हम फेंक नहीं देते, हम उसको धो लेते हैं, धो करके इस्त्री करके फिर पहनते हैं। सब क्षेत्र में दोष का प्रवेश हो जाता है तो धर्म क्षेत्र भी अछूता नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है कि कोविड में सबकी ट्रीटमेंट करते करते, सेवा करते करते डॉक्टर को भी कोविड लग जाता है, क्योंकि उस वातावरण में वो रह रहा है ना सतत। तो धर्म क्षेत्र भी एक हिस्सा ही है जीवन का, तो कभी कभी उसमें से भी कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार का ही हो जाता है। हम इंसान हैं, हम एक तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आप किसी को भगवान मान करके पूज रहे हैं, ये आपकी श्रद्धा है, आप प्रणम्य हैं, लेकिन भगवान नहीं है वो, हकीकत में वो इंसान ही है। हाँ, उसमें दो कमियाँ हमसे कम हैं, अच्छाई में थोड़े वो ज़्यादा आगे है, लेकिन प्रत्येक इंसान अपने आप में अधूरा है। तो ये होता रहता है। गीता में भगवान ने ये जो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। एक्चुअली मुझे लगता है गलती यहीं पर होती है कि जो हमारा साधन है भगवान तक पहुंचने का, हम उसे लक्ष्य मान लेते हैं और उसी को भगवान मान करके उसी की पूजा करनी शुरू। हाँ, ये सब तो फिर और विचारों की पूजा के स्थान पर व्यक्ति की पूजा में हम चले जाते हैं, और दुर्भाग्य से ऐसे संत अपने आप को भगवान के रूप में ही प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ चमत्कार दिखा करके, ये लो ये, या आपके नाम बता दिए, आपके आपकी समस्या लिख करके दे दी कि ये लो आपकी ये समस्या है। जी जी, एक होती है चमत्कार के नाम पर ये सब करना और एक होता है सिद्धियाँ। सिद्धियों को इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि मैं तो भागवत का विद्यार्थी हूँ, भागवत मेरा विषय है और वो मेरा विश्वास भी है। तो भागवत में एकादश स्कंद में भी भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने उद्धव को अष्टादश सिद्धि, 18 सिद्धियों के विषय में बताया। उनमें से 8 मुख्य और 10 गौण सिद्धियां हैं। सिद्धियां हैं, एक होता है चमत्कार, एक होता है सिद्धियां, दोनों में थोड़ा अंतर है। चमत्कार के द्वारा नाम और दाम कमाने का लक्ष्य होता है, वहां चमत्कार का प्रदर्शन होगा। सिद्धियां साधक को अपने आप आकर के बरती हैं, लेकिन ऐसा साधक, ऐसा साधु पुरुष सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता। भगवान द्वारकाधीश ने भागवत में स्पष्ट कहा है कि उद्धव, साधक जब मेरा भजन करता है तो सिद्धियां उसको बरती हैं, लेकिन जो सिद्धियों में फंसता है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए तृण सम सिद्धि तिनि गुण त्यागी, कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तिनी गुण त्यागी। भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी को यही बताया, रामचरितमानस में हम पाठ करते हैं कि जिनके लिए सिद्धियां भी तृण के समान तुच्छ है और जो त्रिगुणातीत हुआ है वही वास्तव में परम विरागी है, किसी वस्त्र या वेशभूषा से विरागी नहीं, वृत्ति उसकी विरागी होनी चाहिए। ये जो 18 सिद्धियों की आपने बात कही,
एक साधारण व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने जीवन को सात्विक रखते हुए इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है? मैं फिर से कहूं कि प्राप्त करने की जैसे ही बात आई तो आपका लक्ष्य हो गया सिद्धि। आपका लक्ष्य होना चाहिए भगवान, सिद्धि अपने आप आएगी, सिद्धि अपने आप आएगी, और वो प्रासादिक सिद्धि है। ऐसी प्रासादिक सिद्धियों का हम पुराणों में भी और ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि संतों ने परमार्थ के लिए ही उपयोग किया है, कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं। भाई श्री, हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपसे जब हम मिलें तो हम आपसे पूछें कि ध्यान कैसे लगाएं, क्योंकि जब भी कोई ध्यान लग, वैसे सुनने में आता है कि हाँ जी हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने त्रिनेत्र पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन वो लगता नहीं है। जैसे ही लगाने लगते हैं दिमाग इधर उधर भटकना शुरू होता है। तो संक्षेप हम जानना चाहेंगे कि अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि हम ध्यान कैसे लगाएं। भगवान कपिल ने जो माँ देवहूति को उपदेश किया उसमें योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च, क्या अद्भुत बात कही है। साधारण आदमी या तो कहते हैं भाई हमारा कोई योग वोग के साथ संबंध नहीं है, हम तो इस महंगाई के ज़माने में दो वक्त की रोटी हमको कैसे मिल जाए, सिर पर छत हो और तन ढांकने को कपड़ा हो बस। लेकिन उसी आदमी से यदि पूछा जाए कि तुम जीवन में आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो कि नहीं, बोले वो तो सब चाहते हैं, इसलिए तो है सुखम में भूयात दुखम में माँ भूत, यही प्राणी मात्र की चाह है। तो बोले उसी को प्राप्त करने के लिए योग है। भगवान कपिल ने यही बताया कि आध्यात्मिक योग का अनुष्ठान करने से सुख और दुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, यानी सर्वथा अभाव। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ है सर्वथा अभाव, और सुख और दुख दोनों का सर्वथा अभाव उस स्थिति को कहते हैं आनंद। संतों के पास वो आनंद है, इसलिए जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे, ये कहा गया। तो गीता में भी भगवान ने समत्वम सिद्ध्य सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते ये बात कही। ध्यान की बात आपने पूछी है तो उस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ध्यान मतलब कुछ करना नहीं, सब कुछ करने से निवृत्त हो जाना, उसको ध्यान कहते हैं। ये ऐसा ही है कि सोने का प्रयास करोगे तो सो ना पाओगे। वास्तव में सारा प्रयास हम छोड़ देते हैं, हमारा दिमाग सब प्रयास छोड़ देता है, तो धीरे से हम नींद के आगोश में चले जाते हैं। सो केवल एकदम शांतिपूर्वक बैठे रहना और केवल अपनी सांसों को देखते रहना, केवल दृष्टा भाव में आ जाना, कर्ता भाव से निकल कर दृष्टा भाव में आ जाना, जस्ट बी अ विटनेस, आप अपने सांसों को देखते रहें, केवल इतना करें शुरुआत में अभ्यास से, तो फिर धीरे 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 रामचरितमानस वो भी ध्यान का ही प्रसाद है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महादेव कथा सुनाने से पहले मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। तो महादेव योगीश्वर है, तो रामचरितमानस की कथा भी उस ध्यान का ही प्रसाद है। हम लोग जो कथा में मंगलाचरण करते हैं ना प्रारंभ में, ये इसीलिए है, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये थोड़ा ध्यान की गंगा में गोता लगाने का अवसर है। लेकिन लोग उसको कर्मकांड मान लेते हैं तो कहते हैं पहले तो पूजा होगी पोथी की, फिर 15-20 मिनट ये मंगलाचरण चलता है, अपने आधे घंटे के बाद जाएंगे तो चलेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये तो बिना नींव डाले भवन उठाने की बात है, तो वो इमारत एकदम कच्ची रहेगी, हिल जाएगी। तो ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये आवश्यक है। तो चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, ये सब में मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई श्री, जो ये मंगलाचरण आप कह रहे हैं कि शुरू में 20-25 मिनट का, आधे घंटे का होता है, वो सब संस्कृत में होता है जो श्रोताओं के समझ में नहीं आता। यदि उसको आप हिंदी में या एक सरल भाषा में कहेंगे जो समझ में भी आएगा, तो मुझे लगता है कि श्रोताओं का उसमें, इसलिए उसको ट्रांसलेशन के साथ श्लोकों को छपवाया जाता है और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है कि भाई आप ये पढ़ो, इसके साथ साथ आप, ठीक है आपको कंठस्थ नहीं है और आप आंख बंद करके तो पढ़ नहीं सकते,
तो कोई बात नहीं, आँख खुली रख रख करके आप पहले पढ़ो, पहले जब जब आपको समय मिले तो इसके अर्थ को पढ़ लो, समझ लो, फिर धीरे धीरे करते 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 ये बाय हार्ट हो जाएगा, फिर आप हमारी तरह आँख बंद करके मंगलाचरण के श्लोकों का पाठ करते करते आप तजपस तदर्थ भावनम के भाव से, मन तो तब भी देखो जाएगा इधर उधर, क्योंकि मन चंचल है। आपको लगता है कि अगर उन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करके और उनका उच्चारण किया जाए तो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे? नहीं नहीं होंगे, नहीं, वो उसी में, क्योंकि जिस तरह से देववाणी है संस्कृत और उसमें जिस तरह से वो लिखा गया है उच्चारण, इवन चाहे समझ में भी नहीं आए तो भी उसी में ये करेंगे आप। वेद के मंत्रों का आजकल तो भाषांतर अवेलेबल है, लेकिन आप भाषांतर का पाठ करोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मंत्रों में जो ताकत है वो उसी में है। भाई श्री, हमारे को बहुत सारे दर्शक ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे धर्म के प्रति उतना आकृष्ट नहीं होते जितना हम रहे हैं, ये युवा पीढ़ी को कैसे हम धर्म की तरफ लेकर जा सकते हैं? इफ दे आर अट्रैक्टेड टू आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, इफ दे आर अट्रैक्टेड टू पिज्ज़ा एंड बर्गर, धर्म के प्रति भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम इज हम उसको जबरदस्ती उसके ऊपर धर्म थोपने की कोशिश करते हैं, इसलिए फेल जाते हैं। आई ऑलवेज से धर्म कोई थोपने की चीज़ नहीं है, धर्म स्वीकार करने की चीज़। तो मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, विदेशों में भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो उनके मन में जो प्रश्न नहीं है मैं जवाब नहीं देता शुरुआत में, उन बच्चों में उन युवाओं में मैं प्रश्न को बोता हूँ। आज भी मैं कथाओं में इस तरह से कहता रहता हूँ, इसलिए कि भाई महादेव के मंदिर में जाते हो, वहाँ नंदी तो बैठा है, चलो कछुआ क्या कर रहा है वहाँ, कछुए का क्या काम? क्यों महादेव जी के मंदिर में वो जो जलधारी है वो हमेशा उत्तर की ओर ही बहती है? और जस्ट थिंक कि इतने बड़े भारी भरकम शरीर वाले गणपति बापा गजानन लंबोदर, और वो चूहे की सवारी करे तो चूहा उनको उठाकर चल पाएगा कि बेचारा चूं 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 करके मर जाएगा दबके? इस तरह से क्यूरियोसिटी जगाओ तो फिर मैं तो छोड़ देता हूँ, फिर वहीं दूसरे दिन मिलते हैं, भाई श्री आपने वो बताया नहीं कि चूहे पर क्यों बैठते हैं गणेश जी, बस यस, मैं यही सुनना चाहता था तुमसे कि अब प्रश्न तुम्हारी ओर से आया, जिज्ञासा तुम्हारी ओर से आई, फिर मैं उसको जवाब देता हूँ। जहाँ भी बच्चे हैं तो मैं उनके साथ भी खेलता हूँ, चॉकलेट उनको पसंद है तो उनको जो पसंद है वो उनके साथ देकर मैं यहाँ मंदिर के ओटे पर बैठता हूँ, छोटे बच्चे आवे तो उनके लिए चॉकलेट होती है मेरे पास, ठाकुर जी को धरी हुई है बाहर से, प्रसाद ही है, लेकिन उससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है बच्चों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री, आपने धर्म अध्यात्म राजनीति शिक्षा सब विषयों पर हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। अब हम आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। साधना जी, हमारे भक्ति चैनल के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 21वें वर्ष में हम प्रवेश करें और साथ ही हम गुजराती का साधना भक्ति चैनल। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। और आपसे हम उसकी ओपनिंग चाहेंगे। हमारे किशोर मोहता जी भी हैं जो संस्कार चैनल के संस्थापक हैं, और इनके सानिध्य में और आपके आशीर्वाद से आज हम अपने इस चैनल का प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। जब साधना कि साधना 20 वर्ष पूर्ण करके अब 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, तब बहुत बहुत शुभकामना। इसके पूर्व की जो डोल कथा थी वो भी साधना टीवी चैनल पर पहली बार भावुकों ने, भक्तों ने उसका लाभ लिया। और आपने अभी बताया कि वो साधना गुजराती भी आप शुरू कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, ऐसा कहा गया। धर्म से रहित मनुष्य पशु समान है। तो धर्म के प्रचार प्रसार में उसमें हमारी श्रद्धा दृढ़ बने, इसलिए आप वाले सभी चैनल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो मैं साधना के सब परिवार को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आप इतने सालों से इसका लाभ ले रहे हैं और जुड़े हुए हैं।
आने वाले दिनों में साधना चैनल की भी बहुत बहुत यात्रा इसी तरह गौरवपूर्ण आगे बढ़ती रहे और वो अविरल रहे, ऐसी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। नारायण। सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्वार्थ साधु के शरण में प्रभु के गौरी नारायण श्री। जहाँ शिव हुए सर्वप्रथम साकार, जहाँ लिया था हनुमान ने अवतार, जहाँ माँ अम्बे के हृदय में आज भी है धड़कन, जहाँ श्री कृष्ण ने निज धाम को किया था गमन, जहाँ कण कण में स्वयं है स्वामी नारायण, उस भूमि की आराधना करेंगे हर क्षण, क्योंकि हम हैं साधना गोल्ड गुजराती, विश्व का पहला गुजराती भक्ति सैटेलाइट चैनल। प्रत्येक के जीवन में साधना शब्द का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में साधना करता है उसकी प्रगति निश्चित है। अब देखिए, साधना चैनल ने कितना लोगों को प्रसन्न किया, कितनी सुंदर सूचनाएं दी, कितना सुंदर संगीत दिया, भक्ति क्षेत्र में कितना सुंदर काम किया, तो उनकी प्रगति तो होनी थी। तो अब आ रहा है साधना चैनल गुजराती में, और उसके बाद और भी क्षेत्रीय भाषाओं में आप साधना चैनल सुनेंगे। ये है गुजराती चैनल। तो मैं आपको गुजराती भजन की दो पंक्तियां सुनाता हूं। मन कोई तो बता, हो मन कोई तो बताओ, मन कोई तो बताओ, मन कोई तो बताओ, क्या मर्शे राधे श्याम, क्या मर्शे सीताराम, क्या मर्शे राधे श्याम, क्या मर्शे सीताराम। साधना गुजराती चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, पूरी मैनेजमेंट टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसके साथ मैं भी जुड़ा हूं, मैं भी एक अंग हूं साधना गुजराती का। तो आपको बार बार मिलता रहूंगा और कुछ सुनाता रहूंगा।